श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ चरण अनंत कोटि दंडवत तत्सहित डीटीबी रही जो पवित्र कार्यक्रम शिरडी मटीरे साई को समस्त को स्वागत। तो आज रही अध्याय आम कथा हवा जे बाबा किभली भाव निजर भक्त मान को कृपा प्रदान करी थान्ति। साईनाथ किए आउ साईनाथ किभली भाव रे भक्त मानकर दुख दूरीभूत करी थान्ति एक संपूर्ण अनुभूतिर कथा। जे साईनाथ महाराज विराजमान करी थान्ति द्वारिका माई रे हठात जणे भक्त आसी बाबांको दरबार रे पहुँचिले। तो से भक्तों विषय आम निश्चित भाव जाणी किए सीए भक्त कहीं आसिले क्यों आसिले आसिले बाबा को विभिन्न प्रकार पुष्पहार प्रदान कले फल प्रदान कले बाबा पाद तले नमस्कार कले और पाखरे बसिले। तो से भक्तों विषय से भक्त जनक परिचय दबा आगु बाबा आउ जे अन्य भक्त थे ना था दासगुण महाराज। दासगुण महाराज बाबा को कहले कहले बाबा ये जो भक्त आसी होती गोटे महाराष्ट्र गोटे जगह अच्छी जो जगह जहाँक आम निजाम अंचल कौ निजाम अंचल एक गाँ जो गाँर ना हो नांदोड़ नांदोड़ गाँर ये जो व्यक्ति ना हूँ रतनजी। रतनजी जड़े बहुत भल लोक से जड़े धनी श्रेणी लोक विभिन्न प्रकार व्यवसाय करी से धन संपत्ति अर्जन करी खाली धन अर्जन करी नहांती से मध्य जड़े दानी संप्रदायर लोक दुआरे को किए भी जाऊ से दुखीटे जाऊ से पक्षीटे जाऊ से पशुटे जाऊ से ब्राह्मण जाऊ से ताकू केबे खाली हाथ में फेरई दियंती ना। तो ये हूँ रतनजी स्वभाव। तो समस्ते दानी रतन बोली गाँवें परिचय डाकती। तो से रतनजी सबु थाए किंतु गोटे छोटिया दुख थाए कौन ना रतनजी कौन से संतान संतति नथिले तेणु तांक पाखरे भगवान सब जिनस धन दे रत्न दे घर दे द्वार दे मान दे सम्मान दे किंतु संतान टे दे मन सबुबले दुख रहता है। तो यही समय रे दासगुण महाराज कौन करती ना विभिन्न गाँ गाँ बुली साईनाथ प्रचार प्रसार करती बाबा किभली भाव थिले बाबा को नारे छोट छोट गीति कविता रचना करी विभिन्न गाँ को जाई बाबा को नाम कीर्तन करती। तो ये नाम कीर्तन करने समय रे रतनजी एवं दासगुण महाराज संपर्क स्थापन हो रतनजी बाबा कथा दासगुण महाराज शुणी शुणिला अत्यंत खुशी हूँ मनर दुखर कथा से दासगुण महाराज को जुड़ती दासगुण महाराज मत सबू भगवान दे मो पाखे सतान टीए ना। दासगुण महाराज तक बुझे रतनजी आपण व्यस्त होवार किसी आवश्यकता ना आपण थे शिरडी जातु बाबा शरण नियंतु बाबा को एक जुड़ू एवं दासगुण महाराज एवं रतनजी दुईज मिशिंट शिरडी आसी जो कथा मुझे प्रथम आरंभ करी द्वारिका माई जे भक्त आसिले बाबा को प्रणिपात कले। तो बाबा ये सब कथा शुणिले शुणिला बाबा मुरुकी मुरुकी हसिले एवं कहले दासगुण महाराज तुम्हें रतनजी की कह से मत पांच अणा दो। तो आश्चर्य हेले आसु आसु दक्षिणा तो रतनजी तो समस्त दबार लोक तो सी हठात पांच अणा देवाई बाबा को प्रस्तुत होता बेले बाबा कहले ना ना रतनजी तुमको मत पांच अणा दबार अच्छी किंतु तुम्हें तीन अणा मत दे सारी तेणु तुम्हें आउ बाकी अंश पैसा मत देले ताहले मोर पांच अणा पूरण हे। रतनजी आस आश्चर्य हेले कहले ये तो शिरडी रे मु तो निजाम अंचल रे ये तो दूरतार जगह ये किभली भाव रे नेले इभली भाव रे चिंता करू करू पुणी चिंतार विषय आरंभ हला
दुज कथा रतनजी और दासमु महाराज कथा बाबा एमती कथा कहीं कहले तो दासमु महाराज कहले रतनजी तुम्हें मन पकाओ तो मझेरे केबे बाबा को आसी दे कि रतनजी कहले नाई मु बाबा को केबे किसी टंका देना हाँ किछि दिन तले जड़े संथ मो दुआर को जाइले मुंकर अभ्यर्थना करी तांकर खाइबा पीबा बाबद को मु तीन अणा खर्च करी तो कथा शुणिला दासकुण महाराज मुरुकु मुरुक हसिले कहले बोधे साईनाथ जड़े संथं रूप से दुआर को जाइले दुआर को गलापर से जो टंका आपण खर्च करते अभ्यर्थनापाई संवर्धनापाई से टंका को बाबा हिसाब करेणु पांच अणारु से तीन अणा पाई सारी बाकी आपण ताकू दियंतु तो रतनजी मध्य सेया कले बाकी पैसा साई बाबा को दक्षिणा आकार दान कले दान कला बाबा को प्रणाम कले बाबा को आशीर्वाद ने शिरडी में किसी दिन रहिले रहिला निज गाँ को चलीगले बाबा आशीर्वाद प्रभाव रतनजी संतान प्राप्ति है से खुशी संतान पाइला पुणी बाबा पाखक आसिले बाबा पाक आसला बाबा पाद पाखे प्रणिपात कले बाबा को धन्यवाद देले एवं बाबा पाखे निज जीवन बाकी समय कटेपी अनुमति मागि तो यह भाव बाबा कृपा से पर्यंत होता जे पर्यंत से शिरडी आसी नथिले जिते से शिरडी आसिले बाबा कृपा प्राप्त है तो निश्चित भाव में मो समस्त साईभक्त मानू गोटे अनुरोध जे बाबा कही कथा जेजन शिरडी आसव दुख ताहार चली निश्चित भाव आपण जदि आपण जीवन में कौन दुख दुर्दशा कथा अच्छी निश्चित भाव में थर टीए शिरडी जी बाबा को जनइबे बाबा ये भी कही समाधि मध्य रही मो संपूर्ण भाव कार्यक्षम बाबा से समाधि भितर थी आपन को आशीर्वाद करेंगे आपण दूरीभूत हो समस्त दुख दूरीभूत हो तो यही भाव में से दिन रतनजी तर संतान टीए पाई बाबा को कृपा तेणु समस्ते चलतु से साई बाबा को गोटे थर भक्तिपूत प्रणाम करवा समस्ते कहिबा बोली साईनाथ महाराज की जय साईनाथ महाराज की जय साईनाथ महाराज की जय। जदि आपण जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आम को जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।